यो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू वीडियो। यार आज की इस वाली वीडियो में हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट, और आज अपन अपने भाई डायमंड आर्मर को अपग्रेड करने वाले नेदरराइट आर्मर। लेकिन गाइस यहां पर एक दिक्कत है भाई, मैंने आज तक कभी भी क्रीपर फार्म ट्राई नहीं करा, लेकिन गाइस जैसे ही मैंने क्रीपर फार्म ट्राई करा दूसरी वर्ल्ड में, भाई वो काम ही नहीं कर रहा है। तो भाई गन पाउडर कैसे आएगा? अगर गन पाउडर नहीं आएगा तो TNT नहीं बनेंगे, और TNT नहीं बनेंगे तो नेदरराइट माइन नहीं होगा। तो गाइस इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए भाई अपने को अपने मो फार्म को एक्सपेंड करना पड़ेगा। और गाइस यहां पर एक और प्रॉब्लम है कि भाई आज तक अपने कोई डेजर्ट नहीं मिला, तो एक डेजर्ट भी ढूंढना पड़ेगा। तो बिना किसी देरी के जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन गाइस अपने को अपने मॉब फार्म को एक्सपेंड करना है तो भाई बहुत ज्यादा मटेरियल लगेगा, और मटेरियल के लिए भाई अपन करने वाले -52 पे माइनिंग, ताकि भाई अपने को बहुत सारे डायमंड भी मिल जाए। तो गाइस अपना डबल फायदा हो जाएगा। तो भाई अब अपन जल्दी से अपने माइनिंग एरिया पे चलते हैं और अपनी भाई माइनिंग स्टार्ट कर देते हैं। गाइस यहाँ पर अपन ने 1.5 डबल चेस्ट भर के भाई अपना कोबाल्ट स्लेट माइन कर लिए हैं। अब जल्दी से भाई अपने अपने मॉब फार्म के ऊपर चलते हैं, और फिर भाई मैंने एक प्लान बनाया है कि भाई अपन अपने मॉब फार्म के ऊपर 4 और मॉब फार्म बनाने वाले हैं एक एक लेयर के। और भाई अपने अगर वो भी कम पड़ जाएंगे तो भाई अपन अपने मॉब फार्म को भी एक्सपेंड कर लेंगे। तो पहले तो भाई अपन चलते हैं और भाई वो चारों मॉब फार्म बना लेते हैं अपन। और गाइस मेरे पास जो नेदर एग बचा था भाई, मैं उसका यहाँ पर यूज लेने वाला हूँ, क्योंकि गाइस अपने को अपना कोबाल्ट स्लेट भी बचाना है भाई, उसको ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है। तो कोबाल्ट स्लेट तो भाई अपन अपने स्पॉनिंग प्लेटफॉर्म पर लगाने वाले हैं, और ये नेदर एग भाई अपन लगाने वाले हैं अपने साइड में। तो गाइस अब मैं आपसे मिलता हूँ भाई डायरेक्ट वो चारों मॉब फार्म बनाने के बाद, क्योंकि भाई मेरे को ये दो प्यारे प्यारे कमेंट आए थे भाई, इनमें लिखा था कि वीडियो में भाई थोड़ा टाइम लैप कम करूं। तो गाइस इसलिए भाई मैं आपसे बस डायरेक्ट मिलता हूं इन चारों मॉब फार्म को बनाने के बाद। गाइस यहां पर अपने चारों मॉब फार्म तो बन चुके हैं, लेकिन गाइस मैं सोच रहा हूं जो अपना ओरिजिनल मॉब फार्म मतलब जो मेन है, तो उसको भाई अपन एक्सपेंड कर लेते हैं। तो भाई उसके लिए भाई अपने को और ज्यादा मटेरियल चाहिए, तो मटेरियल के लिए भाई मैं यहां पर आ चुका हूं माइनिंग पे। अब जल्दी से भाई अपन अपनी पूरी माइनिंग कंटिन्यू मतलब खत्म कर लेते हैं, और फिर मैं आपसे मिलता हूं। ओके गाइस यहाँ पर भाई मैं माइनिंग कर ही रहा था, और गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई अपने को मिल चुका है भाई एमेथिस्ट वैली, शायद से तो इसका यही नाम है, आप कमेंट में बता देना। और गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई इसकी आवाज़ भाई कान एकदम भाई सेटिस्फैक्शन डाल देती है। तो अब यहाँ से थोड़ा सा भाई अपन ब्लॉक कलेक्ट कर लेते हैं, और फिर दोबारा से अपनी माइनिंग कंटिन्यू कर लेते हैं। ओके गाइस यहाँ पर मैं अपनी डीप स्लेट माइनिंग करके आ चुका हूँ। अब गाइस इस मॉब फार्म को अपन 2 लेयर और एक्सपेंड कर देते हैं। चारों जो अपन ने मॉब फार्म बनाए इसके साइड में, इसको भाई अपन ने इस मॉब फार्म से कनेक्ट कर देता है, ताकि भाई सारे मॉब नीचे आके एक जगह इकट्ठा हो जाए और अपन उनका वहीं खात्मा कर दें। ओके अरे बस कर भाई। यहाँ पर हम फाइनली अपना पूरा मॉब फार्म का काम कंप्लीट करके आ चुके हैं, बस अब इसका एक बस स्टोरेज सिस्टम एक्सपेंड कर देते हैं। तो गाइस यहाँ पर मैंने कर दिया भाई सारा स्टोरेज सिस्टम एक्सपेंड। अब भाई यहाँ पर थोड़ी देर AFK रह के देखते हैं कि भाई कितने मॉब आते हैं और कितने क्रीपर आते हैं, ताकि भाई अपने को गन पाउडर मिले, और गन पाउडर से TNT, और TNT से अपने को नेदरराइट मिले। गाइस यहाँ पर अपन ने एक प्रॉब्लम तो फिक्स कर ली है, लेकिन गाइस अब मेरे सामने आ चुकी भाई एक और प्रॉब्लम कि भाई अपने को चाहिए सैंड, क्योंकि भाई सैंड से ही बनते TNT। तो मैं इसलिए नहीं ले रहा कि भाई TNT बनाने के लिए स्पेशली सैंड चाहिए, सैंड तो यहाँ पर बहुत सारे, लेकिन भाई फ्यूचर प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा काम आने वाली सैंड, तो इसलिए भाई अपने को कोई डेजर्ट ढूंढना है। तो भाई मैं जल्दी से चलता हूँ भाई थोड़ी एक्सप्लोरेशन करने। यहाँ पर मैं एक्सप्लोरेशन कर ही रहा था, और गाइस यहाँ पर आप सामने देख ही सकते हैं अपने को मिल चुका है डार्क ओक फॉरेस्ट। भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, क्योंकि भाई डार्क ओक की वुड भी भाई कभी कभी काम आ जाती है। और ऐसे भाई एक दो चीज़ और मिलेगी, मैं तभी आपको मिलता हूँ, बाकी तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करने वाला। कितने शानदार विचार रखते हैं। तो गाइस यहाँ पर मेरे को एक और बायो मिल चुकी है, आप देख सकते हो भाई कितने सारे फ्लावर है, भाई फ्लावर डाई में काम आते हैं। तो गाइस मैं इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, भाई आप एक बार इसका नाम भी कमेंट कर देना, क्योंकि भाई मेरे को इसका नाम भी नहीं पता है। तो अब भाई दोबारा से अपन अपनी एक्सप्लोरेशन कंटिन्यू करते हैं।
भाई यहाँ पर भाई मैं कम से कम ना तो आधा घंटा एक्सप्लोर करके आ चुका हूँ और भाई मेरे हाथ में भाई कुछ भी नहीं लगा है। तो भाई मैं आपके साथ भाई एक ट्रिक शेयर करने वाला हूँ जिससे भाई आप बिना किसी चीटिंग करे आप अपने सर्वाइवल वर्ल्ड में कोई भी बायोम फाइंड कर सकते हैं। तो मैं जल्दी से वो ट्रिक शेयर कर देता हूँ आपके साथ। तो इस ट्रिक के लिए भाई आपको जो सीड दिख रही है अपनी वर्ल्ड की भाई उसको कॉपी कर लेना या फिर कहीं पे लिख लेना। और अगर इसके लिखने के बाद भाई आपको आपका जो ओरिजिनल कोऑर्डिनेट है वो आपको लिख लेना है और यहाँ पर आपको गूगल पे सर्च कर लेना है बायोम फाइंडर माइनक्राफ्ट, फिर जो फर्स्ट लिंक आएगी उस पर क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद भाई आपको सीड में अपनी सीड डाल देनी है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर डाल दी अपनी वर्ल्ड की सीड, नीचे आपको वर्जन दिख रहा होगा। अगर भाई आप पॉकेट एडिशन खेलते हो तो भी भाई आपको बेडरॉक 1.19 सेलेक्ट करना है क्योंकि भाई बेडरॉक और पॉकेट एडिशन के लिए एक ही वर्जन है। ऐसा अगर आप इससे नीचे वाला खेलते तो आप वो भी सेलेक्ट कर सकते हो। और भाई डायमेंशन में तो ओवरवर्ल्ड ही रहने दो क्योंकि भाई ओवरवर्ल्ड की बायोम सेलेक्ट करनी है। और फिर भाई नीचे जो आपको एक्स और जेड दिख रहे हैं भाई यहाँ पर आपको अपने कोऑर्डिनेट डालने हैं। एक्स में तो आने वाला है भाई जो सबसे लेफ्ट में कोऑर्डिनेट होता है वो, और जो बीच में होता है भाई वो होता है वाई कोऑर्डिनेट, उसको भाई आपको कॉपी नहीं करना है। और जो जेड होता है वो सबसे राइट कॉर्नर में कोऑर्डिनेट होता है वो वाला होता है, उसमें भाई आपको जेड में वो डाल देना है। और गाइस यहाँ पर आपको जो हाईलाइट बायोम के आगे जो ऑप्शन दिख रहा है भाई उसमें आपको डेजर्ट सेलेक्ट कर लेना है। आप देख सकते हैं डेजर्ट भाई ऑरेंज दिखने वाला है। और अब इसको भाई आपके सामने जो मैप है भाई उसको जूम इन और जूम आउट करके देख सकते हो कि भाई डेजर्ट कहाँ है। ऑरेंज कलर में आपको हाईलाइट होने वाला है डेजर्ट। तो मैं भाई एक बार जल्दी से ढूंढ लेता हूँ कि भाई कहाँ पर है डेजर्ट और फिर वहाँ की भाई कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं और फिर वहाँ पर भाई अपने वर्ल्ड में चलते हैं। और गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमको मिल चुका है डेजर्ट। अब गाइस यहाँ पर अगर अपन क्लिक करेंगे तो नीचे देख सकते हो भाई आपको एक्स और जेड कोऑर्डिनेट दिख रहे हैं, वहाँ से भाई अपने को कॉपी करना है और बस अब यहाँ से भाई अपने को जाना है डेजर्ट में। गाइस यहाँ पर भाई मैं आधा घंटा ट्रैवल करके आ चुका हूँ भाई सेम कोऑर्डिनेट पर। आप देख सकते हो कम से कम ना तो भाई 11,000 ब्लॉक दूर है भाई, पागलपन ही है भाई इतनी दूर आना। तो भाई इससे अच्छा तो भाई मैं नया डेजर्ट ढूंढ लेता घर के पास, लेकिन भाई अब आ ही चुके हैं तो भाई थोड़ी सी सैंड भी कलेक्ट कर लेते हैं और दोबारा से घर पे चलते हैं। भाई यहाँ पर मैं पूरी इन्वेंट्री भर के सैंड तो लेके आ चुका हूँ आप देख सकते हो, और मैंने थोड़ी सी भाई स्टोर करा दी है, मतलब इतनी और सैंड है वो मैंने स्टोर करा दी। अब देखते भाई इनसे कितने TNT बन जाते हैं और भाई उतने TNT लेके अपन जाने वाले हैं नेदर में। मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ तो बताना ही भूल गया, जब मैं माइनिंग कर रहा था कोबल लीफ स्टेट की जब देख सकते हो मेरे को इतने सारे डायमंड मिल गए, लगभग 1.5 स्टैक डायमंड है। और यहाँ पर भाई मैंने डायमंड की पिकेक्स बना ली क्योंकि भाई अगर मैं नेदर में मर भी गया तो मेरी लेजेंडरी वाली पिकेक्स ना खो जाए। तो अब भाई जल्दी से अपन चलते हैं अपने नेदर में और नेदरराइट की माइनिंग स्टार्ट करते हैं। और गाइस TNT के लिए बस मेरे पास इतने ही गन पाउडर थे तो भाई बस इतने ही TNT बने हैं। गाइस यहाँ पर मैं आ तो चुका हूँ नेदर में, अब गाइस यहाँ पर मैं भाई अपनी माइनिंग स्टार्ट कर देता हूँ। भाई नेदरराइट की माइनिंग के लिए आपको स्ट्रिप माइनिंग करना है और बीच बीच में TNT लगा कर उनको ब्लास्ट कर देना है, जिसकी वजह से आपको भाई नेदरराइट बिल्कुल एकदम साफ साफ स्पॉट हो जाएंगे। तो मैं जल्दी से भाई पूरी माइनिंग कम्प्लीट कर लेता हूँ मेरी। गाइस यहाँ पर फाइनली अपनी पूरी नेदरराइट की माइनिंग हो चुकी है कंप्लीट। अब गाइस जिस जगह पे मैंने भाई ब्लास्टिंग करी थी भाई मैं उसके ऊपर जा रहा हूँ स्ट्रिप माइनिंग करके अपने घर की तरफ, क्योंकि भाई नीचे बहुत सारे मैग्मा क्यूब स्पॉन हो चुके हैं। तो मैं जल्दी से अपने घर पर चलता हूँ। गाइस यहाँ पर मैं माइनिंग कर ही रहा था कि तभी It was at this moment that he knew he fucked up. गाइस मैं आपको भाई क्या बताऊँ, मैं कैसे बच गया भाई, मेरी धड़कन इतनी तेज धड़कने लग गई थी, एक तो भाई इतने सारे नेदरराइट और ऊपर से मैग्मा क्यूब आ गए,
नेदरराइट खोने का भाई इतना डर कि कुछ हाथ पर काम ही नहीं कर रहे थे। ओ गाइस बार ऐसा ना हो भाई, इसलिए अब क्रॉस करके चलूंगा सेफ्टी से, अब मैं बस आपको डायरेक्ट घर ही मिलता हूँ। गाइस फाइनली मैं यहाँ पर अपना सारा नेदरराइट कलेक्ट करके आ चुका हूँ, जल्दी जल्दी से इसको स्मेल्ट कर लेता हूँ और फिर मैं आपसे मिलता हूँ। फाइनली भाई अपन ने नेदरराइट स्मेल्ट करके नेदरराइट स्क्रैप बना लिया। भाई गोल्ड तो अपने पास था ही, अपना गोल्ड फार्म तो आपको पता ही है, उसके भाई नगर से मैंने गोल्ड बना लिया। और अब गाइस फाइनली भाई अपने नेदरराइट में टूल कन्वर्ट हो चुके हैं, अच्छा चमक करे हैं भाई, आर्मर भी कर लेते हैं कन्वर्ट नेदरराइट में। इतनी खुशी हो रही है एकदम भाई, क्या चमकने लग जाते हैं नेदरराइट की चमक तो भाई देख के क्या खुशी मिलती है। लेकिन गाइस फिक्स नेदरराइट कैसे भाई, मैंने तो हिसाब लगाया था तब तो मेरे पास बहुत सारे बच रहे थे। अरे हाँ याद आया भाई, 10 अंदर भी तो पड़े मेरे, कुछ भाई 2 और बन जाएंगे इंगट, तो मैं जल्दी से अंदर से वो भी ले आता हूँ और एक्सप्लोर लगा देता हूँ ये नेदरराइट। और भाई ये हो गए अपने एक्स भी नेदरराइट में कन्वर्ट। बस भाई इनमें एंचेंटमेंट लेनी है एक्स और अपने आर्मर में। तो कई जगह हम जल्दी से चलते हैं अपने एंचेंटमेंट एरिया पे, यहाँ पर हम आ चुके हैं। तो अब मैं आपसे बस डायरेक्ट मिलता हूँ इन सबको भाई एंचेंट करने के बाद। तो गाइस यहाँ पर अपने को फाइनली अपने हेलमेट पैक वेफेंसी 1 और 5 प्रोटेक्शन 2 मिल चुकी है, और चेस्ट प्लेट पे प्रोटेक्शन 3 और अनब्रेकिंग 3, और अपने को भाई अपने लेगिंग्स में मिली है प्रोटेक्शन 3 और अनब्रेकिंग 3, मतलब सेम है। और बूट्स में भाई प्रोटेक्शन 3 है, उस पर भाई मिली नहीं रही थी तो मैंने प्रोटेक्शन 3 रखी है अभी तक के लिए। तो गाइस यहाँ पर अपनी फाइनली हो चुकी है वीडियो कंप्लीट और अपने सारे टास्क भी पूरे हो चुके हैं। अपन ने एक डेजर्ट ढूंढ लिया, अपने मोब फार्म को एक्सपेंड कर लिया, और अपन ने सबसे मेन अपन ने अपने आप को नेदरराइट में भाई अपग्रेड कर लिया है। अगर गाइस आपको वीडियो थोड़ी सी पसंद आई तो लाइक कर देना, अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। और गाइस इस सर्वाइवल सीरीज के और भी पार्ट देखने हैं तो भाई मैंने डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दे रखी है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।